Our next topic is current scenario of early childhood education in Pakistan. So, in, with reference to Pakistan, why early childhood education is essential. Early childhood education is a very critical education in, uh, in the life of our child. Hamarabatja jabbilkul hai. 0 se art पैदाइस से आठ साल की उम्र तक तो उसके लिए उसके किरदार की नशो उसकी जज्बाती नशो उसकी समाजी नशोनमुमा और उसकी जहनी नशो बहुत ज़रूरी है बहुत तेज़ी से हो रही है आप सोच नहीं सकते कि हमारी चालीस से पचास फ़ीसद नशो जो है वो इसी उम्र में तेज़ी से कॉग्नेटिव सेल्स जो हमारे बनते हैं वो इसी उम्र में बनते हैं तो बच्चे की जो क्योसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा है इसलिए इस अर्ली चाइल्डहुड के जो पॉलिसीज़ हैं और जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए हमें इनपुट देनी है जो फैसिलिटीज देनी है वो बहुत ज़रूरी हैं वर्ल्ड वाइड स्टेटस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड वट इज़ गोइंग ऑन द वर्ल्ड जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है अब दुनिया में जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि 50 की दहाई तक जो आपके जो 1950 की दहाई तक अभी तक कोई अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर बात नहीं हुई थी खुद हमारे मुल्क में 1970 में पहली दफ़ा अर्ली चाइल्ड को कच्ची क्लास के तौर पर एक्नॉलेज किया गया था और उस पॉलिसी का हिस्सा ये था कि वाइडर पार्टिसिपेशन होगी बैटर क्वालिटी होगी और इम्प्रूवड गवर्नेंस होगी ये तीन बातें थीं जो हुकूमत पाकिस्तान ने रिकगनाइज़ की और इसके ऊपर इन्होंने पॉलिसी बनाई फिर यह कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो डाकर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो ने टू का हिस्सा है अब डाके फ्रेमवर्क ने एजुकेशन फॉर ऑल ई का कानून जो है वो बनाया था जहाँ पे उनका ख्याल था कि दुनिया के जितने बच्चे हैं वो सब दायरा तालीम में लेकर आए जाएं। ना सिर्फ वो बच्चे जो कमतर सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं बल्कि वो भी जो जहनी तौर पर भी कुछ कम रह गए हैं और दूसरा उनका एक मकसद था कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ई जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के जो अंदाज हैं जो इंस्ट्रक्शनल मैथडोलोजी है जो, है, जो फैसिलिटीज़ हैं जो उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग है इन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखता रखते हुए उनकी क्वालिटी में बेहतरी की जाए फिर इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्ले बच्चों को खेल का भी मौका दिया जाना चाहिए और उनका काफ़ी वक्त जो क्लासरूम का टाइम है उसको बढ़ाकर खेल के लिए भी मुख्त की जाए खेल ऐसा जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखें यानी कोई बासद खेल हो जिसमें उसको एक कुदरती खुशी भी हासिल हो और उसमें उसको कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाए द ई सी ई एज ग्रुप इज फ्राम थ्री टू फाइव ईयर्स अब ये जो तीन से पाँच साल के बच्चे हैं सिफर से आठ की बनस्बत ये वो हैं जो अभी किंडर गार्टन से भी पहले हैं जिनको हम प्ले ग्रुप के बच्चे कहते हैं जो यहाँ हमने कच्ची क्लास की बात की तो कच्ची क्लास जो है वो हमारी पहली जमात से एक पहली क्लास थी वलदना भी इसको कहा जाता था ये जो क्लास थी ये सिर्फ तीन से पाँच साल के बच्चों के लिए थी फिर ये कि जो हमारा वो एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सारे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं रिमोट एरियाज में हैं शहरी इलाकों में हैं या दही इलाकों में हैं सबको एक्सेस होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन तक और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तक तो इसके लिए क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल बजट्स रखे फिर उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए और अभी हम देखते हैं उन्होंने दो साल का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया ई के लिए कि जो बच्चे जो हमारे इसली चाइल्ड हुड के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उनकी तरबियत के लिए और प्री सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी उनको दी जाएगी और ये दो साल का प्रोग्राम उनके लिए दिया गया टीचर ट्रेनिंग विल बी बेस्ड ऑन द रिवाइज ई सी ई नैशनल करिकुलम और फिर जो नेशनल करिकुलम हमारा वक्त के साथ साथ बदलता रहता है कुछ प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए थे पाँच साल का प्रोजेक्ट पाकिस्तान हर साल तालीम के लिए हर पाँच साल बाद तालीम के लिए लॉन्च करते रहते हैं तो उन्होंने उसमें भी कहा कि भी हमारा करिकुलम भी पहले से बेहतर किया जाएगा बेहतर करने का मकसद क्या था कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जहनी नशोनुमा के से मुताबकत रखता हुआ निसाब जो है वो बनाया जाएगा द इसी अकाउंट ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी अभी यहाँ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को उन्हीं के कल्चर से रिलेटेड तालीम दी जाए ताकि उनको अपना आप अजनबी महसूस ना हो वो भी दूसरों के साथ हों उनकी रेस्पेक्ट हो और उनकी मदद की जाए और उनको भी माशरे का मुफीद हिस्सा बनाया जाए